के सीरियल ये है चाहते में हो रही है अर्जुन और महिमा की हल्दी की रस्म, जहां पर पूरा परिवार बेहद खुश है और अर्जुन वो तो सातवें आसमान पर है क्योंकि उसे उसका प्यार महिमा जो मिल रही है। और महिमा वो तो प्रद्युमन से प्यार करती है लेकिन बिना मन के पहुंच गई है हल्दी की रस्म में। और देखिए कैसे आ गया इस हल्दी की रस्म में ट्विस्ट, जब चाची ने जानबूझकर हल्दी का कटोरा काशवी के ऊपर डाल दिया और अर्जुन के नाम की हल्दी महिमा के बजाय लग गई काशवी को। इसी बीच जब नयनतारा ने महिमा को वो हल्दी लगाने के लिए कहा शगुन के तौर पर, तो महिमा ने मना कर दिया और शुरू कर दिया ड्रामा। नहीं माँ, ये ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? ये गिर गई है, कितनी गंदी हो गई, ये कैसे लगा सकते हो मेरे मुंह पे? दूल्हे की झूठी हल्दी ही दुल्हन को लगती है और मैं ऊपर ऊपर जो रहूंगी ना मिट्टी नहीं जाएगी। नहीं ये लो, हो गया शगुन, मैंने लगाऊंगी नीचे वाली हल्दी। अरे महिमा वो तो वेल प्लान्ड वाला चीज़ है क्योंकि चाची ने पहले से प्लान करके रखा होता है कि हम लोग कुछ तो गड़बड़ करेंगे यहाँ, तो उनको ये एक मिलता है इजी वे आउट की, इस पर गिरा देते हैं। मेरे सारे हर चीज़ में कुछ ना कुछ कीड़े कर रही हूँ ना मैं, मतलब या तो हेल्दी नहीं हो रही है, या मैं भग जा रही हूँ, या मैं रिंग फेंक देती हूँ, या मैं रिंग महंगी मांग लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रही हूँ मैं। देखो आउटफिट तो हमारा है फूलन देवी, मुझे बनाया हुआ है पूरे फूलों से सजी हुई हूँ मैं। ये देखो ये आउटफिट हमारे अर्जुन ने सेलेक्ट करी थी मेरे लिए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि एकदम भैंजी लुक है इसमें। मैं करती तो एकदम डिज़ाइनर वाला करती है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें स्टाइल मार दिया है, पीछे से बैकलेस कर दिया मैंने इसका पीछे से ही बैकलेस होता है वो, हाँ तो मैंने बैकलेस कर दिया थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए, नहीं तो उसने तो मुझे पूरा पैक कर दिया था। भाई महिमा ने तो इस रस्म की कद्र नहीं की और देखिए कैसे वहाँ से जाने लगी, लेकिन ये बात सम्राट को पसंद नहीं आई और वो पहुंच गए महिमा को समझाने। लेकिन महिमा वो तो ठहरी बदतमीज, जरा देखिए कैसे भरी महफिल में ही सम्राट के साथ बदतमीजी करने लगी। हालांकि नयनतारा ने आके बात को संभाल लिया। हालांकि सम्राट भी ये बात जानते हैं कि महिमा और प्रद्युमन के बीच कुछ चल रहा है और उनकी बेटी काशवी अर्जुन से प्यार करती है और ये बात नयनतारा को बताते भी है। Yeah, because महिमा is being disrespectful, तो obviously बनता है सपोर्ट करना, ऐसे कैसे बात कर सकती है वो। इन रियल ऑल्सो अगर कोई ऐसे बदतमीजी से बात करे तो उसको तो सुनाया ही जाएगा ना, तो अच्छा किया उन्होंने सुनाया। क्योंकि वो जबरदस्ती हमारे घर में आके घुस गया है और वो मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट है और वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर, मेरे लिए तो स्ट्रेंजर है ना वो, मुझे क्या मालूम क्या रिश्ता है उनका, तो एज अ स्ट्रेंजर अगर कोई मुझे चिल्लाएगा तो मैं किसी का भी थोड़ी ना सुन के मान लूँगी कि हाँ तुमने बोल लिया तो हाँ ओके आई एम सॉरी, ऐसा थोड़ी करूँगी मैं। वो लव साइड होगा ना यार थोड़ा सा उनका, अगर मैं देखूँ तो नैन तो जानती है सैम को, और एनीवे अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी देखूँ मैं तो मैंने बदतमीजी करी है प्लस शादी है, हाँ तो जो हल्दी है वो मैंने गिरा दिया और उसके ऊपर से मैं चलती हुई चली गई, तो इसलिए मैंने एक रीति रिवाज का मैंने एक इंसल्ट किया एक तरीके से, तो उस पे बेस्ड उनका गुस्सा बड़ा होगा, प्लस फिर मैंने बदतमीजी कर ली गेस्ट के सामने, उनके हस्बैंड को मैंने गलत सलत बोल दिया तो उनको बुरा लगा होगा, इसलिए उन्होंने चिल्ला दिया मेरे ऊपर। अब यार ये तो आपको देखना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम मेरी शादी प्रद्युमन से होगी या नहीं बाकी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी तो ठीक है अर्जुन के साथ चल रही है, देखो तोड़ पाती हूँ मैं, भाग पाती हूँ घर से या नहीं, क्योंकि लास्ट सीन में आपने देखा होगा मैं भागने का प्लान कर रही हूँ, प्लस प्रद्युमन आया था मुझे बोलने के मुझसे शादी करना चाहता है, तो लेट्स सी कितना हम लोग ये प्लान वर्कआउट कर सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं कि हम भाग पा रहे हैं या नहीं। अब क्या करूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरे नहीं यार, सो अर्जुन तो इज मैडली इन लव विद महिमा, डीपली मैडली एंड इनसेनली इन लव विद महिमा, तो उसके लिए तो महिमा ने इसके ऊपर से उठा के खुद को लगा दिया, उसके लिए वो भी एक यार चल रसम तो हो गया, मतलब महिमा ने लगा लिया, लेकिन एक कैसे कहते हैं ना डिवाइन पावर, ऐसे एक देवी शक्ति होती है जो विच मेक्स थिंग्स राइट या विच मेक्स थिंग्स गो इन द वे दे शुड, मतलब क्या कहते हैं डेस्टिनी कहते हैं ना नसीब, तो नियति तो नियति हमेशा वही करवा देती है, मतलब इवेंचुअली मतलब जागो की रस्म में घूंघट के नीचे होना महिमा को चाहिए था, थी काशवी, हल्दी महिमा को लगनी थी, लग गई काशवी को, तो शायद भगवान कोई इशारा दे रहे हैं, कोई समझ पाए ना पाए वो बात अलग है। मेरा मैंने आई थिंक ये शो में पहली बार लहंगा पहना है एंड
थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने हील्स पहनी है, उसके बाद भी थोड़ा लंबा है, बट इट्स वेरी नाइस, एकदम ऐसा नाइस इट इज. नहीं यार, इट्स अ कुर्ता. मैं ज़्यादा लोगों को समझाना जानता नहीं हूँ, बट मुझे क्रिएटिव ने बताया कि वरुण धवन का जो जुग जुग जियो मूवी से कोई एक ऐसा कुर्ता है विच इज़ अ डिफरेंट कलर, तो उसको शायद रिक्रिएट करने की कोशिश की है.